हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसक्यूएल ट्यूटोरियल के इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पार्ट आज हम स्टार्ट करने वाले, क्योंकि अब तक हमने एसक्यूएल ट्यूटोरियल में इंट्रोडक्शन देखा, डेटाबेसेस देखा, सारी चीज़ें हमने कवर की है, बहुत कुछ चीज़ें हमने देखा, इंस्टॉलेशन देखा, इंट्रोडक्शन देखा और डेटा टाइप्स भी हमने देखा था। ठीक है, तो मतलब अलग अलग तरह के बहुत सारे डेटा टाइप्स हमने देखा। तो आज हम पूरा एकदम प्रैक्टिकली करेंगे कि एक टेबल को कैसे क्रिएट करना है और टेबल का क्रिएट करने का सिंटैक्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला कमांड आज देखेंगे टेबल को क्रिएट करने का, और बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, इसके बिना आप पूरे एसक्यूएल में वर्क ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको डेटाबेस क्रिएट करना बताऊंगा कि सबसे पहले माई एसक्यूएल वर्कबेंच के अंदर, डेटाबेस सिस्टम के अंदर हम डेटाबेस को कैसे क्रिएट करेंगे वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटाबेस नहीं क्रिएट करोगे तो आप टेबल कैसे बना पाओगे, पर्टिकुलरली एसक्यूएल का। ठीक है, तो और इन दोनों के पहले मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा टेबल आखिरकार होती क्या है। ओके, टेबल नॉर्मली हम एसक्यूएल के बिना होती क्या है और एसक्यूएल के अंदर क्या होती है वो चीज़ हम देखेंगे। सबसे पहले ये चीज़ तो ऑलरेडी सबको पता है, बेसिक है, ये क्यों बता रहा है, बट स्टिल बहुत सारे बिगिनर्स लोग को एक टेबल क्या है वो चीज़ बताना भी इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि रोज एंड कॉलम्स भी क्या है ये चीज़ भी बताना इंपॉर्टेंट है एज ए एसक्यूएल डेवलपर, एज ए डेटाबेस डेवलपर। ठीक है, कोई बिगिनर है तो भी। तो सबसे पहले, टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अभी रोज एंड कॉलम्स आपको पता होनी चाहिए। ये देखो, टेबल यहाँ पर बताया है कि मतलब एक कलेक्शन ऑफ डेटा होती है, टेबल जो होता है उसके अंदर कलेक्शन ऑफ डेटा होती है, मतलब बहुत सारे डेटाज होती है जिसे ऑर्गेनाइज रहता है वो सारे डेटा, जो कि रोज और कॉलम्स के फॉर्म में। अब रोज क्या होता है, कॉलम्स क्या होता है, ये देखो, रोज जो होती है इस तरह से जाती है, ऐसी लाइन पे जाती है। ठीक है, और कॉलम क्या होता है, एकदम खड़े पे, स्ट्रेट पे। ठीक है, एकदम सीधा स्ट्रेट पे। ओके, तो वो कॉलम में होता है, उसके अंदर पर्टिकुलरली हर एक बॉक्सेस होती है जिसके अंदर पर्टिकुलरली एक एक डेटा स्टोर्ड रहती है, ऑर्गेनाइज्ड डेटा स्टोर्ड रहती है। ये देखो, ये पिक देखो, आपको समझ में आएगा, ऑर्गेनाइज्ड डेटा स्टोर रहती है। ठीक है, और ये आपके कॉलम, मतलब यहाँ पर कॉलम दिया, कॉलम का नाम है, और ये मतलब ये कॉलम के नीचे पूरा एक एक, फिर ये ऐसा रो। ठीक है, 1 2 3 ऐसा पर्टिकुलरली एक एक रो, और हर एक बॉक्स के अंदर एक एक डेटा स्टोर रहती है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक है बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ। टेबल इज ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब बेसिकली टेबल जो होता है एक स्पेसिफाइड, मतलब कॉलम कितना चाहिए करके हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, बराबर। बट रोज जो होती है वो कितनी भी हो सकती है, पर्टिकुलरली फिक्स नहीं होती, शायद अनलिमिटेड हो या एन नंबर हो, कितनी भी रोज हो सकती है, क्योंकि एज अ डेटा कितनी स्टोर करनी है इन फ्यूचर, अगर और भी कोई डेटा स्टोर करनी है तो आप रोज जो होती है नीचे आप और ऐड करके यहाँ पर और ऐड कर सकते हो रोज, बराबर। कॉलम जो होता है वो पर्टिकुलरली फिक्स करके आप कॉलम करोगे, मोस्टली रोज ही ऐड कर सकते हैं, मतलब रोज को ही हम और ज़्यादा मतलब डेटा ऐड कर रहे हैं तो रोज ही ऐड होगा, बराबर। तो कॉलम्स तो शायद ही मतलब करेंगे इन फ्यूचर, ऐसा होगा। तो टेबल इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ डेटा स्टोरेज, तो ऑलरेडी हमने बताया कि सिंपल फॉर्म है डेटा स्टोरेज का टेबल। एक टेबल इज ऑल्सो कंसिडर एज ए कन्वीनियंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। मैंने ये चीज़ मैंने बहुत स्टार्ट में बताया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कि RDBMS में टेबल के फॉर्म में, टेबुलर के फॉर्म में सारी डेटा स्टोर्ड रहती है और इंटर रिलेट रहती है, मतलब सारी जो जितनी भी टेबल जो होती है एक दूसरे से रिलेशन में रहती है, वही चीज़ यहाँ पर बता रहा है इन RDBMS। तो अभी हम नॉर्मली हमने टेबल क्या होता है, इन RDBMS में क्या होता है, ये चीज़ हमने देखा, बहुत बेसिक है, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस मैंने एक नॉर्मली गो थ्रू किया। ठीक है, और SQL टेबल वेरिएबल, SQL के अंदर टेबल जो होता है एक वेरिएबल की तरह होता है, SQL टेबल वेरिएबल, जिसे हम क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइन आपको अच्छे से समझा होगा, मैं पढ़ते वक्त ही समझा होगा, एक तरह की टेबल वेरिएबल होती है SQL टेबल वेरिएबल इन SQL के अंदर, और उसे हम क्रिएट मॉडिफाई जो मन चाहे वो चीज़ कर सकते हैं। ओके, और टेबल वेरिएबल जो होता है वाज इंट्रोड्यूस बाय माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो ये मुझे याद था तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। ओके, तो 2000 में माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया था इस टेबल वेरिएबल को। ओके, टेबल वेरिएबल इज़ यूज टू स्टोर ए सेट ऑफ रिकॉर्ड्स। टेबल वेरिएबल जो है उसे यूज़ करते हैं लोग SQL के अंदर एक रिकॉर्ड सेट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, यूज़ करने के लिए। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। सो डिक्लेरेशन सिंटैक्स जनरली लुक लाइक क्रिएट टेबल सिंटैक्स। ये देखो, टेबल वेरिएबल जो है उसे क्रिएट करने का सिंटैक्स जो है, ये आपको विजुअलाइजेशन ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको क्रिएट टेबल लिखना है, ताकि आप बता रहे हो कि SQL की कि हाँ मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, और कौन से नाम से क्रिएट करना है वो यहाँ पर आपके टेबल का नाम, और फिर ये पैरेंथेसिस ओपन
क्लोज ब्रैकेट जो ओपन क्लोज करके सेमी कॉलन दे दोगे, ओके, इसके अंदर आप कितनी कॉलम डालना चाहोगे और उसके डेटा टाइप्स। मैंने ऑलरेडी बताया था लास्ट वीडियो में डेटा टाइप्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है एसक्यूएल के अंदर, तो वही चीज़ है, आप अपने टेबल के अंदर कितना कॉलम डालोगे वो कॉलम का नाम एंड देन फिर उस कॉलम का डेटा टाइप, पर्टिकुलरली डेटा टाइप। अगर आप यहाँ पर आईडी डाल रहे हो तो यहाँ पर उसकी इंट आएगी, और यहाँ पर कोई नेम डाल रहे हो तो उसकी वैर कैरी या कैरेक्टर कोई भी चीज़ आ सकती है, ठीक है। वैर कैरी मोस्टली यूज़ कर सकते क्योंकि नेम के अंदर किसी का आप नंबर ऐसा भी डाल सकते हैं कोई बंदा ऐसा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जब हम क्रिएट करेंगे तब आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पर आप बस इतना चीज़ देखो कि टेबल क्रिएट करने का सिंटैक्स क्या है वो आप समझ लो, ओके। तो आप देख ही लोगे, आप समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। एसक्यूएल क्रिएट टेबल स्टेटमेंट यूज टू क्रिएट अ टेबल, क्रिएट टेबल इन अ डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर टेबल को क्रिएट करने के लिए ये सिंटैक्स हम यूज करते हैं, ये स्टेटमेंट हम यूज करते हैं, ओके। इफ यू वांट टू क्रिएट अ टेबल यू शुड नेम द टेबल एंड डिफाइन इट्स कॉलम एंड ईच कॉलम्स डेटा टाइप। जो चीज़ मैंने यहाँ पर वही बताया वही चीज़ वापस यहाँ पर नीचे दोहराई जा रही है कि हम टेबल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर आपको डिफाइन करनी पड़ेगी पर्टिकुलर कॉलम और उस कॉलम की डेटा टाइप, हर एक कॉलम की डेटा टाइप, ताकि कोई भी एरर ना आए और अच्छे से टेबल क्रिएट हो, उसके अंदर की कॉलम क्रिएट हो, उस टेबल की डेटा टाइप भी क्रिएट हो, ठीक है। तो अभी यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और फिर यहाँ पर पर्टिकुलरली एक जो टेबल है यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये देखो ये जो टेबल है पर्सन के यहाँ पर टेबल बना है, तो इसके अंदर उसने कितने कॉलम डाले, 4 कॉलम डाले है, और कॉलम का नेम एक का दिया, आईडी दिया, नेम दिया, सरनेम दिया, एज दिया, ठीक है। उसके अंदर नीचे देखो आपको रोज दिख रहा होगा, फर्स्ट रो, सेकंड रो, ऐसा एक एक रो दिख रहा होगा, और ये आईडी का डेटा नीचे, और फिर मतलब आईडी कॉलम का डेटा नीचे, फिर नेम कॉलम का डेटा नीचे, सरनेम का डेटा नीचे, एज का डेटा नीचे, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा, ये देखो पर्टिकुलरली यहाँ पर डिफाइन है कि कौन सा रोज है और कौन सा कॉलम से, यहाँ पर अच्छे से दिख रहा होगा। ये जो है कॉलम जो हम क्रिएट करेंगे अभी इसी वीडियो के अंदर, कॉलम क्रिएट, टेबल क्रिएट करके कॉलम क्रिएट करेंगे और उसके अंदर डेटा हम अगले वीडियो पर डालेंगे। सबसे पहले ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो में हम वो चीज़ को कवर करेंगे, ओके। तो ये देखो यहाँ पर ये चीज़ जो है वो रोज है और ये चीज़ जो है कॉलम्स है, यहाँ पर एकदम अच्छे से डिफाइन है, मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, उतना एकदम डीपली जाकर बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर स्टार्ट से इंट्रोडक्शन वीडियो से मैं बताया जा रहा हूँ रोज, कॉलम्स, टेबल, ये सब सारी चीज़ें बताया जा रहा हूँ। तो फाइनली वो दिन आ ही गया कि हम टेबल क्रिएट करेंगे, ओके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चलता हूँ हमारे वर्क बेंच के अंदर, MySQL वर्क बेंच के अंदर, और मैं इसे ओपन करता हूँ। तो इसे हम ओपन करेंगे, ठीक है। तो मैंने ओपन कर दिया, ये देखो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक ट्रेलर देखा है, तो इसे हम डायरेक्ट डिसकनेक्शन कर देते हैं, ओके। तो मैंने डिसकनेक्शन कर दिया, तो सबसे पहले यहाँ पर ऐसा विजुअलाइजेशन सबका आएगा MySQL वर्क बेंच में। मैंने इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं मैंने बताया था, बट स्टिल आज मैं आपको ऑफिस से बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले कनेक्शन जो है डेटाबेस का कनेक्शन, जो सबसे पहले कनेक्शन है वो आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। ये देखो यहाँ पर आपको प्लस पे क्लिक करना है, तो क्लिक करने पर आपको ये चीज़ आएगी, ऐसी विजुअलाइजेशन आएगी, यहाँ पर कनेक्शन नेम देनी है, मैं तो यहाँ पर V2Future दे दूंगा, ठीक है, चैनल का नाम ही दे देता हूँ मैं V2Future, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डेटाबेस कनेक्शन हमारे MySQL सर्वर को कनेक्ट कर रहा हूँ, तो कनेक्शन का नाम मैं दे दे रहा हूँ, और यहाँ पर नीचे जो होस्ट नेम है, पोर्ट नेम है, इसमें कोई भी छेड़मखाड़ी नहीं करनी है, वरना फिर आपका कनेक्शन जो है कनेक्ट नहीं हो पाएगा। और ये जो रूट है, ये आपने शायद MySQL में इंस्टॉलेशन के टाइम पे MySQL कम्युनिटी सर्वर पे मैंने आपको बताया था कि यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वहाँ पर मांगेगा इंस्टॉलेशन के टाइम पे, तब आपको सेट करनी है। तो मैंने पूरा डीपली एकदम बताकर इंस्टॉल करके नहीं बताया था, बट क्योंकि बहुत सिंपल चीज़ है गाइस, वो चीज़ सबको सेंस में समझ में आना चाहिए था, तो इसीलिए मैं ज़्यादा उतना डेप्थ में नहीं गया। तब आपको ये चीज़ वहाँ पर आप डाले रहोगे, रूट, किसी ने रूट डाला होगा, मोस्टली रूट ही रखना होता है, मैं भी वही रखा हूँ यहाँ पर। तो बाय डिफॉल्ट हम कुछ और भी डाल सकते हैं, खुद का जो मन चाहे वो नाम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रूट डाला हूँ, तो मतलब कम्युनिटी सर्वर में मैंने ये रूट डाला था और पासवर्ड भी रखा था। तो यहाँ पर हम यहाँ पर कनेक्शन नेम डालेंगे और फिर रूट जो है जो जितनी भी चीज़ है वो सारी चीज़ें वैसी की वैसी रहने देंगे, बस कनेक्शन नेम डाल के ओके कर देंगे, ओके। तो ओके करने पर यहाँ पर क्रिएट हो जाता है आपका जो मतलब IP है और पोर्ट नंबर है, क्रिएट हो जाता है, और यूज़र यहाँ पर बता दे रहा है कि रूट है, ठीक है, और कनेक्शन का नेम जो है V2Future मैंने डाला हूँ। तो इसे डबल क्लिक करेंगे तब आपको खुलेगा ये, और खुलने पर यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, ये पासवर्ड भी वहीं से आया है जब कम्युनिटी सर्वर हम क्रिएट करते हैं, इंस्टॉल करके हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, तभी वहीं पर हम यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता है। तो वहीं पर मैंने भी ये पासवर्ड डाला था, तो आपको भी यहीं पर मांगेगा, तब आप पासवर्ड टाइप करके ओके क्लिक कर दीजिएगा, तब यहाँ पर आपका जो विजुअलाइजेशन है ये पूरा जो
आपका जो MySQL वर्कबेंच है जहाँ पर हम कोड करेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पर ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो जैसा ओपन होगा सबसे पहले यहाँ पर कुछ लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन दिखेगा, और एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं है गाइस, एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा पार्ट है वहाँ पर सर्वर का स्टेटस, कनेक्शन, यूज़र स्टेटस, ये सब चीज़ बताएगी। तो आपको वो सब चीज़ के अंदर नहीं जाना है, उसको वहीं वैसी की वैसी रहने देनी है। किसी को देखना है तो देख सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। बट स्टिल मैं तो यही कहूँगा कि मतलब वहाँ पर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ आप देखिएगा नहीं, ठीक है। अपने को सिर्फ स्कीमा, अपने डेटाबेस एसक्यूएल के ऊपर ही सारी चीज़ें वर्क करनी है, ओके। तो आप स्कीमास पे, यहाँ पर नीचे स्कीमास दिखेगा, स्कीमा पे क्लिक कर देना और इसे ओपन करके छोड़ देना, यहाँ पर खाली रहेगा या फिर किसी का कुछ लिखा होगा, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपका जो यहाँ पर SQL की क्वायरी टाइप करने की जो जितनी भी चीज़ है यहाँ पर, ये आपकी फाइल खुलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑलरेडी मेरा क्वेरी वन करके यहाँ पर खुला था, तो आपका भी शायद खुला होगा, नहीं खुला होगा, बट स्टिल मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से आप क्लिक करके ओपन कर देना, ठीक है। एक टैब खुलती है SQL क्वेरी लैंग्वेज लिखने की टैब, जैसे कि आप VS कोड में एक टैब खोलते हो, ठीक उसी तरह, ओके। और ये जो है आपका स्क्रिप्ट ओपन करने का टैब है, ठीक है। और यहाँ पर आपको डायरेक्ट इंस्पेक्शन बताएगा, सेलेक्ट करके इंस्पेक्ट करने के लिए। और ये रहा आपका स्कीमा क्रिएट करने का कॉलम, ऑप्शन, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेस जो है मतलब ये देखो, इसे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बता देगा न्यू स्कीमा, इसी स्कीमा पे यहाँ पर क्लिक करना है तो आपको डेटाबेस क्रिएट करने का बताएगा। तो यहाँ पर मैं SQL टट्स लिख देता हूँ, ट्यूटोरियल का शॉर्ट में टट्स लिख दे रखता हूँ, काम करता हूँ पूरा ट्यूटोरियल से लिख देता हूँ, ओके। तो पूरा यहाँ पर मैंने SQL ट्यूटोरियल्स करके मैंने हमारे डेटाबेस का नाम दे दिया। और यहाँ पर आपको नाम देने के बाद यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना, बाकी नीचे कोई भी चीज़ को आपको कुछ चेंज नहीं करनी है, बाय डिफॉल्ट उसे रहने देनी है, ओके। तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर कन्फर्मेशन मांगता है हमारे SQL कम्युनिटी सर्वर के ऑप्शन से, ये हमारे कम्युनिटी सर्वर का ऑप्शन है ये, तो जिसने इंस्टॉल किया उसको पता होगा, या फिर जिसने इंस्टॉल नहीं किया तो आप वापस जाके इंस्टॉलेशन की वीडियो देखें और इंस्टॉल कर ले, ओके। यहाँ पर कन्फर्मेशन मांगता है, रिव्यू देखता है, आप सिंपल से अप्लाई कर देना, अप्लाई करने के बाद फिनिश। तो यहाँ पर आपका जो ट्यूटोरियल का जो मतलब SQL ट्यूटोरियल का जो डेटाबेस है, आपके MySQL वर्कबेंच के अंदर एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी, ओके। तो ये वाला जो टैब है आप क्लोज कर देना, और यहाँ पर आपका जो डेटाबेस का जो टैब है मतलब ये जो है डेटाबेस जो है आपकी क्रिएट हो जाएगी, ओके। तो मैं यहाँ पर ये देखो सिंपल सा, यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर मैं बताऊँगा, ये देखो इसे आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर टेबल्स, वीव, स्टोर्ड, प्रोसीजर्स, फंक्शन, ये सब चीज़ दिखाएगी। ये सब चीज़ें ना आपके बाय डिफॉल्ट आपके डेटाबेस के अंदर पड़ी हुई है, ओके। जब हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं तब उसके अंदर ये सब चीज़ें बाय डिफॉल्ट आती है। तो आप टेबल क्रिएट करोगे, इसके अंदर स्टोर होगी, वीव्स देखना चाहोगे, स्टोर जो इतनी भी प्रोसीजर्स है वो चीज़ है, और आपके डेटाबेस की फंक्शंस नीचे रहेगी, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम ये क्लिक करेंगे कि इस डेटाबेस को हम यूज़ करने वाले हैं। तो आप सिंपल सा क्वेरी लिखोगे SQL यूज़ SQL ट्यूटोरियल यूज़ लिखोगे, और आपका जो डेटाबेस का नाम है वो लिखोगे, ताकि आप बता रहे हो कि आपके वर्क बेंच को बता रहे हो कि मैं इस डेटाबेस को यूज़ करना चाहता हूँ। तब आप ऐसा क्लिक करोगे, मतलब यूज़ टाइप करोगे और फिर आपके डेटाबेस का नाम। और यहाँ पर आपको ये जो बिजली का जो यहाँ पर लोगो दिख रहा है वो आपको दिखेगा, मतलब वो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो बटन है, ये जो लोगो है, ये इसके लिए है कि आपका ये जो स्क्रिप्ट है, क्वेरी है, उसे एग्जीक्यूट करने वाला लोगो है, ठीक है। उसे आप क्लिक कर दोगे तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और नीचे देखो यहाँ पर बता देगा, ये देखो सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ है, जितनी भी आपकी एक्टिविटी है ना, वो चीज़ यहाँ पर अपडेट होती रहेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, अप्लाई चेंजेस टू SQL ट्यूटोरियल्स, मतलब हमने यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट किया तो डायरेक्ट बता रहा है अप्लाई चेंजेस, और फिर हमने यूज़ SQL ट्यूटोरियल हमने यहाँ पर टाइप किया ताकि हम इस डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पर अपडेट हो रही है। हम मतलब जो जितनी भी चीज़ है वो सारी चीज़ें यहाँ पर अपडेट होती रहेगी, और यहाँ पर बताएगी हम जो भी क्वेरी लिखेंगे, और या गलत तो गलत, राइट तो राइट, राइट तो मतलब यहाँ पर ग्रीन आता रहेगा और राइट आता रहेगा, अगर गलत तो मतलब एक्स आएगा फिर रेड आएगी, ठीक है। तो इन फ्यूचर हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो हम फिलहाल अभी क्या कर रहे हैं, SQL ट्यूटोरियल ये जो है हमारे डेटाबेस को हम यूज़ कर रहे हैं। तो अभी चाहे तो इसको हटा कर यहीं पर भी आप लिख सकते हो, वरना फिर आप एक न्यू टैब खोल के भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ कि इसको वैसे ही छोड़ दो, मोस्टली ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है गाइस, यहाँ पर भी इसको हटा के लिख सकते हो, लेकिन उसको वहीं पर छोड़ दो, एक और टैब ओपन करो। और यहाँ पर हम टाइप करेंगे हमारा टेबल, सबसे पहले क्रिएट करने का काम करेंगे, ठीक है। तो मैंने बताया था कि टेबल क्रिएट करने का, क्रिएट टेबल करके सिंटैक्स आप यूज़ करोगे, क्रिएट टेबल, और फिर आपके टेबल का नाम। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट का टेबल बना रहे, तो नाम दे देता हूँ मैं स्टूडेंट, ओके। हमेशा की तरह हम हर ट्यूटोरियल में स्टूडेंट ही लेते हैं, तो इस बार भी हम स्टूडेंट ही लेंगे, ठीक है। स्पेलिंग गलत कर रहे थे हम,
तो यहाँ पर ये देखो, ये सिंटैक्स है आपका क्रिएट टेबल, और यहाँ पर आपकी टेबल का नाम, और यहाँ पर आप अपना ब्रैकेट ओपन करोगे और यहाँ पर क्लोज कर दोगे सेमी कॉलन, ठीक है। तो आपकी टेबल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, लेकिन एक बात, ये जब तक ये क्रिएट नहीं होगी जब तक आप अपना अंदर कॉलम्स नहीं पुट करोगे, टेबल क्रिएट हो जाएगी, एम्प्टी टेबल नहीं क्रिएट होगी, ये बात आप दिमाग में रख लेना। तो आप अंदर अपना कॉलम का नाम भी आपको देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं दे दूंगा स्टूडेंट की आईडी, एसटी आईडी मैं दे देता हूँ स्टूडेंट की आईडी, और उसको सिंपली हम इंटीजर होगा तो इंट दे देंगे, ओके। यहाँ पर अपने को सजेशन भी आ रहा है गाइस, तो यहाँ पर कॉमा देना पड़ेगा आपको नेक्स्ट कॉलम के लिए, और फिर फर्स्ट नेम, ओके, फर्स्ट नेम मैं दूंगा एक, सेकेंड कॉलम का नेम फर्स्ट नेम दूंगा, और इसके अंदर मैं वैर केयर दूंगा। मैंने बताया था वैर केयर में हम स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, डेटा टाइप देनी पड़ेगी, तो इसके अंदर हम सिंपली मैं 50 दे देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो सिंपली मैंने 50 दे दिया, और यहाँ पर दूसरा हम डालेंगे लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ओके। और इसके अंदर भी हम वैर केयर यूज़ करेंगे, डेटा टाइप दे देंगे इस कॉलम का भी, वैर केयर दे देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम एज दे देंगे, ठीक है, एज जो है एज भी इंट ही दे देते, ओके। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर कोई भी एरर नहीं दिख रहा होगा जब तक कि हम कहीं पर भी कोई गलती ना कर रहे हो, ये देखो। तो एरर से भी आपको पता चलेगा कि हम क्यों एरर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली दिखाई देगा, ये देखो यहाँ पर कॉमा दे रहे थे, क्योंकि लास्ट वाला जो कॉलम है आपका, जो कॉलम एंड हो जाएगा वहाँ पर आपको कॉमा नहीं देना है, उसको डायरेक्टली छोड़ देना है, क्योंकि हमारा जो पैरेंथिसिस जो है, मतलब हमारी ब्रैकेट जो है और सेमी कॉलम जो है वो चीज़ देख लेगी, तो इसके लिए वहाँ पर कॉमा मत डालना, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी गलतियाँ मत करना गाइस। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर सबसे पहले टेबल क्रिएट कर रहे हैं, थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, तो अभी ठीक है, इतना जूम काफ़ी है। तो ये चीज़, बाकी की चीज़ें तो जूम नहीं कर पा रहा हूँ, बट स्टिल क्योंकि बहुत किसी ने लो स्पेक में देख रहा होगा वीडियो, तो उनके लिए थोड़ा ईजी पड़े, इसलिए मैंने यहाँ पर जूम कर लिया। थोड़े हमारी जो टेक्स्ट है, क्वेरी लैंग्वेज है, इसे कोड जो है उसे मैंने जूम कर लिया, ओके। तो ये रहा आपका सिंटैक्स। तो हम यहाँ पर ऊपर क्लिक करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, क्रिएट टेबल किया हूँ, क्रिएट टेबल डाला हूँ हमारा सिंटैक्स, और टेबल का नाम डाला हूँ, फिर ब्रैकेट जो ओपन क्लोज किया हूँ, फिर उसके अंदर मैंने कॉलम दिया हूँ, फिर कॉलम का नेम और कॉलम की डेटा टाइप, फिर कॉलम का नेम, फिर कॉलम की डेटा टाइप, और यहाँ पर हम साइज़ भी दे सकते हैं। ये मैंने डेटा टाइप्स में बताया था कि साइज़ आपको बाय डिफ़ॉल्ट नहीं भी दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट लेगा, बट स्टिल आप साइज़ मेंशन करना। तो मैंने यहाँ पर 50 साइज़ दिया हूँ हर एक वेयर गियर का, और एज दिया हूँ, फिर उसका डेटा टाइप, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो ये देखो नीचे यहाँ पर क्लिक कराएगा क्रिएट टेबल, आपकी जो टेबल है वो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो मतलब सक्सेसफुली हम सबसे पहला ट्यूटोरियल टेबल क्रिएट कर लिए, ओके। तो अभी हम यहाँ पर, मैं ये देखो यहाँ पर आने के बाद स्कीमास पे यहाँ पर आप रिफ्रेश कर लेना, तो यहाँ पर कॉलम आ जाएगा, तो गाइस बैकग्राउंड नॉइस की वजह से वीडियो को थोड़ा पॉज करना पड़ा था। हम टॉपिक में वापस आते हैं, मैं यहाँ पर बता रहा था कि हमारा जो स्कीमास वाला ये जो सेक्शन है, यहाँ पर आप यहाँ पर रिफ्रेश करोगे तो आपका टेबल जो है, जो क्रिएटेड टेबल है वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, क्योंकि MySQL में डायरेक्टली नॉर्मली अपडेट नहीं होता है। तो आप रिफ्रेश को क्लिक करके आप व्यू कर लीजिएगा, कुछ लोग का हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी हो रहा है तो आप रिफ्रेश पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपके डेटाबेस के टेबल्स वाले सेक्शन के अंदर, तो आपका जो टेबल है यहाँ पर दिखेगा स्टूडेंट, और नीचे यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन दिखेगी, मतलब पर्टिकुलर हम किसी भी चीज़ को क्लिक करते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी। तो हमने यहाँ पर टेबल को, ये स्टूडेंट वाले टेबल को हमने क्लिक किया, तो नीचे बता रहे कि स्टूडेंट आईडी है, इतने कॉलम्स है उसके अंदर, ऐसा बता रहा है, उसकी साइज है, टेबल का नेम स्टूडेंट, ये सब बता रहा है, ठीक है। तो अभी बात आती है इस टेबल को वीव कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ये देखो टेबल पे ऐसे यहाँ पर आओगे, यहाँ पर टेबल जैसा यहाँ पर एक लोगो बताएगा, उसे आप क्लिक कर दोगे तो आपका टेबल का नेम जो है वो आपको, मतलब टेबल जो जितनी भी यहाँ पर चीज़ें हैं वो आपको दिखेगी टेबल, ओके। ये देखो यहाँ पर टेबल दिखेगी, और ये रहा हमारा टेबल। यहाँ पर पहला सेक्शन है वो छोड़ देता है, हमेशा खाली छोड़ता है वो, ठीक है, क्योंकि वो नीचे नंबर, रोज की नंबर काउंट करने के लिए वो छोड़ देता है, ठीक है। तो वो बॉक्स खाली रहेगा, और यहाँ पर हमारे कॉलम से देखो, हमने क्रिएट किया था स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, ये इतने कॉलम हमने डाला था, और फिर डेटा टाइप हमने डाला था। तो हमारी जो टेबल जो है क्रिएट हो चुकी है, तो आपको दिख रहा होगा, ओके। तो अभी हमने यहाँ पर टेबल क्रिएट कर ली, तो अभी हम इस टेबल को ड्रॉप करने का भी काम करते हैं, ठीक है। टेबल आप डालोगे ड्रॉप द टेबल, ओके। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप उसका सिंटैक्स यहाँ पर लिखोगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूँ कि मतलब नॉर्मली आपको यहाँ पर दिख रहा है कि मतलब क्या है, पूरा टेबल आपको दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब सक्सेसफुली हमने टेबल क्रिएट कर लिया विथ
कॉलम्स के साथ। तो अगर आपको इस टेबल को ड्रॉप करना है, डिलीट करना है, डिलीट करने का सिंटैक्स ड्रॉप आता है, मतलब एसक्यूएल में ड्रॉप सिंटैक्स है, ठीक है। तो ड्रॉप लिखोगे, फिर टेबल लिखोगे, फिर टेबल का नाम, कौन से टेबल को आप ड्रॉप करना चाहते हो, ओके। और फिर सीधा आप यहाँ पर बिजली का जो है, उससे पहले आप यहाँ पर सेमी कॉलन डाल देना, वरना फिर एरर आएगा, ओके। या फिर एरर नहीं भी आएगा, बट स्टिल वो आपको मैटर करता है गाइस, वो आप यूज़ कर लेना हमेशा की तरह, ओके। और ये बिजली वाला जो है हम एग्जीक्यूट कर देंगे, तो सीधा यहाँ पर बता देगा ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, मतलब हमारी जो स्टूडेंट का टेबल है वो डिलीट हो चुकी है हमारी डेटाबेस से, ओके। तो अभी आपको यहाँ पर टेबल क्रिएट कैसे करना है, अंदर कॉलम कैसे क्रिएट करना है, और टेबल को डिलीट भी कैसे करना है, मतलब ड्रॉप कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली है, ओके। तो अभी एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा इस क्वेरी में, यहाँ पर ये देखो, सबसे पहले मैं इसको डायरेक्टली कंट्रोल जेड करके मैं डायरेक्ट लिख आता हूँ, ये देखो कंट्रोल जेड करके मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख आ गया। अभी मैं इसको रन करवा दे रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पर देखो, हमने वापस टेबल को क्रिएट कर लिया, ठीक है, मैं ड्रॉप करने के टाइम पे यहाँ पर बताया नहीं, ये देखो टेबल से वो हट गया था बराबर। तो अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये वापस से हमारा टेबल आ गया, मतलब हमने वापस से टेबल क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता रहा था कि आप सेम डेटाबेस के अंदर सेम नाम का एक और टेबल आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर मैं सेम, मतलब अंदर का कॉलम अगर सेम है मैं उससे मैटर नहीं करता, लेकिन टेबल का नाम आपका सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं एक बार टेबल क्रिएट कर चुका हूँ गाइस, मतलब ओके। तो इसके अंदर मैं एक नॉर्मली एक स्टूडेंट आईडी रहने देता हूँ, ओके। तो और मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखो डायरेक्ट बता देगा कि मतलब एरर कोड, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नाम का टेबल जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट है आपके डेटाबेस के अंदर। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग ये चीज़ को ट्राई करते रहते हैं पर्टिकुलरली, उनको ये नहीं पता होता कि एक ही डेटाबेस के अंदर कर रही है, या फिर उनको शायद ये चीज़ नहीं पता होगा कि दो टेबल आप सेम नाम का नहीं क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पर बताया कि सेम डेटाबेस के अंदर आप सेम नाम का डेटा टेबल जो है, सेम नाम का टेबल जो वो आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, ठीक है। दूसरा नाम आप यूज़ करना, यहाँ पर मैं स्टूडेंट टू डाल देता हूँ, और फिर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखो ये चीज़ यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गई, क्योंकि मैंने टेबल का नाम तो चेंज किया ना, टू डाल दिया ना स्टूडेंट टू, ठीक है। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो स्टूडेंट टू यहाँ पर आ गई है, ओके। हमारे डेटाबेस एसक्यूएल ट्यूटोरियल वाली डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट टू करके डेटाबेस भी क्रिएट हो गई है, ओके। तो यहाँ पर हमें बता रहा है नीचे अच्छा खासा अपडेट बता रहा है कि हाँ, मतलब जीरो अफेक्टेड रोज, तो डायरेक्ट डेट हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो इस टेबल को हम ड्रॉप कैसे करना है, वो चीज़ भी, क्वेरी से ड्रॉप कैसे करना है वो चीज़ भी हमने देखा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हमने वो चीज़ भी देखा, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली यहाँ पर बताऊँ, ये देखो स्टूडेंट टू, यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर ड्रॉप द टेबल ये वाला ऑप्शन भी आएगा। अगर किसी को क्वेरी से नहीं करना है तो ये वाला ऑप्शन भी है, बट स्टिल मोस्ट प्रेफरेबल मैं तो क्वेरी ही बोलूँगा, क्वेरी टाइप करके, ड्रॉप टेबल वाला क्वेरी टाइप करके आप टेबल को ही ड्रॉप करना, मतलब डिलीट करना है। तो यहाँ पर ये देखो ड्रॉप द टेबल हम क्रिएट करेंगे, क्लिक करेंगे तो सीधा कन्फर्मेशन बोलेगा, फिर ड्रॉप नाउ कर दोगे तो आपका टेबल डिलीट हो जाएगा, ओके। और नीचे बता दे रहा है हमने एसक्यूएल ट्यूटोरियल के अंदर स्टूडेंट टू का नाम जो टेबल है उसे हमने डिलीट कर दिया है, ओके। तो अभी आपको एकदम अच्छे से यहाँ पर समझा होगा कि मतलब क्या हो गया, ये देखो ये चीज़ को मतलब सेव भी करना होता है, अगर आप चाहे तो यहाँ पर पर्टिकुलरली आपके किसी भी फाइल के अंदर आप सेव भी कर सकते हो, मैं यहाँ पर सेव नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। तो आपको बस अच्छे से समझे करके मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, क्वेरी टाइप करके ये हमारा टेबल, और फिर ये सारी चीज़ें हमारा जो डेटाबेस और उसे यूज़ कर रहे हैं। तो आज हमने क्या देखा, मतलब डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, फिर डेटाबेस को यूज़ कैसे करना है, फिर उसके अंदर टेबल को क्रिएट कैसे करना है, फिर टेबल को ड्रॉप कैसे करना है, और सेम नाम का टेबल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है एक ही डेटाबेस के अंदर, वो सारी चीज़ें हमने आज कवर की है। उससे पहले हमने डेटा टेबल भी देखा और टेबल क्वेरी, टेबल का जो वेरिएबल है वो भी देखा, एसक्यूएल टेबल वेरिएबल क्या है और टेबल क्या है, ये सारी चीज़ें हमने आज कवर की है। और दो कमांड भी हमने देख लिए, टेबल को क्रिएट करने का और ड्रॉप करने का कमांड भी देख लिया, आज एक ही वीडियो में हमने कवर कर लिया। तो मोस्टली शायद ऐसी होगा कि मतलब मोस्टली एक ही वीडियो के अंदर दो तीन कमांड ऐसे ही कवर होते रहेंगे, क्योंकि स्टार्ट में शुरुआत बहुत टफ लगता है, लेकिन एसक्यूएल जाते जाते बहुत ईजी पड़ जाता है लोगों को, क्योंकि इतना ईजी है कि मतलब डेटाबेस से वर्क करना, एसक्यूएल से वर्क करना, ओके। तो वीडियो को मैं यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहूँगा, होप्स हो कि आपको सब समझा होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, फिर भी अगर आगे पीछे आप देख लोगे वीडियो को, आगे पीछे करके आप देख लोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अगर ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक, एकदम ईजी टॉपिक है, ठीक है। तो मतलब फिर भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, कोई मैटर नहीं है, ओके। तो वीडियो को आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे की अपडेट आती रहे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया था वीडियो को, ओके। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यहाँ पर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।